सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का प्रदेश के गरीब कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद करूँगा कि आपने हमारे न्याय उचित आंदोलन को उठाया और आपके लगातार प्रयासों की वजह से सरकार पर हम दबाव बनाने में कामयाब रहे। दरअसल आप सभी को जानकारी है कि 27 मार्च से प्रदेश पालिकाओं, परिषदों, नगर निगमों, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी कर्मिक भूख हड़ताल पर बैठे। सरकार ने 4 दिनों तक हमारी मांगों का या हमारे आंदोलन जो चल रहा था उसकी तरफ नहीं देखा। जब हमने 31 मार्च को पूरे प्रदेश में काले झंडे और उल्टी झाड़ू करके प्रदर्शन करने शुरू किए, तब जा करके सरकार की आंखें खुली और सरकार ने उस पर संज्ञान लिया। अब सरकार ने हमें 5 अप्रैल का बातचीत का निमंत्रण दिया। हमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें हमारी बैठक 5 अप्रैल को करने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया है। 3:30 बजे सेक्टर 3 हरियाणा निवास चंडीगढ़ में बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री कमल गुप्ता जी करेंगे। साथियों, संघ ने यह तय किया है कि हम जो हमारा आंदोलन है उसको क्रमिक भूख हड़ताल को स्थगित हम कर रहे हैं 9 अप्रैल तक, क्योंकि मंत्री जी से 5 अप्रैल को वार्ता करेंगे, उसके बाद 8 अप्रैल को राज्य कार्यकारिणी की बैठक कर सरकार से हुई वार्ता की समीक्षा करेंगे और 9 तारीख को पालिकाओं, परिषदों, नगर निगमों, अग्निशमन के कर्मचारी जो इकाई के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं और राज्य कमेटी के साथी हैं, महिला सब कमेटी के साथी हैं, उनकी राज्य स्तरीय कन्वेंशन करेंगे और उस कन्वेंशन में हम आगामी आंदोलन की रणनीति का ऐलान करेंगे और महिला सब कमेटी का भी गठन करेंगे। इससे पहले अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन और सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जनसेवा के लिए बनाए गए महकमों का विस्तार करने, निजीकरण पर रोक लगाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली संसद भवन पर होने वाले प्रदर्शन में शहरी स्थानीय निकाय और अग्निशमन के कर्मचारी भारी तादाद में भाग लेंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने यदि 29 अक्टूबर के जो फैसले में हमारी सरकार से सहमति मांगों पर बनी, उसके बाद सरकार ने सफाई कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पक्का करने का पत्र जारी किया, 68 शिवरमैनों को पक्का करने का, भर्ती करने का पत्र जारी किया है, तेल साबुन देने का, वर्दी देने का, LTC देने का, अग्निशमन के जो कर्मचारी उनको 1327 जो ड्राइवर और फायरमैन है, 58 वर्ष तक की नौकरी की गारंटी देने और डोर टू डोर के कर्मचारी और अन्य ठेके में लगे कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन, ESI EPF का लाभ
लेने का पत्र जारी किया है। इन पत्रों का लाभ तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों को मिलना शुरू हो। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि 29 अक्टूबर के फैसले में सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति बनाने के बाद अभी तक उनके पत्र जारी नहीं किए, जैसे एस्क्रेशिया पॉलिसी में संशोधन करने का पत्र जारी करना था, कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी एस्क्रेशिया पॉलिसी में शामिल करना था, सफाई कर्मचारियों को 1,000 रुपया स्वच्छता भत्ता, फायर कर्मचारियों को 1,000 रुपया जोखिम भत्ता, फोर्थ क्लास कर्मचारियों की तरह 3 क्लास के कर्मचारियों को जो वर्दी मिलती है, वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता देने का, ड्यूटी समय में जिन कर्मचारियों का एक्सीडेंट हो जाता है उनका इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए, और मृत्यु होने पर कम से कम 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि दे। कोविड में जो कर्मचारी संक्रमित होकर के जिनकी मृत्यु हो गई उनको 50 लाख रुपए और परिवार के सदस्य को नौकरी सरकार दे। इसके अलावा कुछ मांगे इस अंतराल में उत्पन्न हुई है, जैसे अग्निशमन विभाग को सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से अलग कर दिया। इस पर नगर पालिका कर्मचारी संघ का बिल्कुल सख्त ऐतराज है। हम किसी भी कीमत पर अग्निशमन विभाग को शहरी स्थानीय निकाय विभाग से अलग नहीं होने देंगे। सरकार तुरंत प्रभाव से अग्निशमन विभाग को उन्हें शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करे। 2287 जो पद है फायर ऑपरेटरों, उस पर भर्ती को, भर्ती प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाए। जो फायर के कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करे, पक्का होने तक समान काम समान वेतन दे। तथा सरकार ने जो सफाई कर्मचारी, सीवरमैन या अन्य तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद डिमिनेशन कार्डर में डाले हुए हैं उनको डिमिनेशन कार्डर से बाहर कर पुनर्जीवित करें। क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में सफाई, सीवर व तृतीय चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके नए पद सरकार सृजित करें, ताकि स्थानीय निकायों को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। पालिका परिषद और निगम के जो सेवा नियम है उनके अंदर एक रूपता लाई जाए, जो डिफरेंट है आज वो एक समान हो। जो स्किल्ड सिपाही कर्मचारी सीवरमैन है 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या ITI डिप्लोमा धारक, डिग्री, अन्य अन्य प्रकार की जिनके पास है उनको स्किल्ड मान करके तृतीय श्रेणी के पदों पर सरकार उनकी पदोन्नति करे। जो विभिन्न पालिका परिषद निगमों में दैनिक वेतनमान, मस्टरोज या अन्य प्रकार के कच्चे कर्मचारी हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं आते उनको सरकार पक्के कर्मचारियों के बराबर वेतन देना निर्धारित करें और पक्का करने की सरकार नीति बनाए, क्योंकि 30-30 वर्षों से ये कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ इनको नहीं मिल रहा। दूसरा ACP जो स्केल है उसमें
जो एसीपी नियम है उसमें बदलाव करके सभी कर्मचारियों को प्रथम द्वितीय और तृतीय एसीपी का लाभ सरकार दे, पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति करे। यदि सरकार समयबद्ध इन मांगों का समाधान नहीं करेगी और 5 अप्रैल की बैठक में हमें सरकार इन सभी मांगों का समाधान करने का एक निश्चित समय तय कर और मानी गई मांगों के पत्र देने का सरकार बैठक में काम नहीं करेगी तो हम 9 अप्रैल को रोहतक में आयोजित किया और टाइम देने के बाद जब अक्टूबर माह में हमने हड़ताल शुरू की तो उससे पहले भी अपील की लेकिन सरकार ने नहीं सुना। जब हड़ताल शुरू हो गई और हड़ताल के बीच में ही दिवाली का त्योहार भी आया, सरकार ने ये तो कहा कि भाई लोगों का त्योहार खराब ना करो, लेकिन जो गरीब सफाई कर्मचारी हैं उनकी न्याय उचित मांगों का समाधान करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकला। अब हम फिर दोबारा से कह रहे हैं कि सरकार जो नारा दे रही है अंत्योदय का, उस नारे को पूरा करे, क्योंकि सफाई कर्मचारियों से ज्यादा गरीब शोषित पीड़ित कोई नहीं हो सकता। ये समाज में दलितों में भी अति दलित हैं, सबसे पिछड़े हैं, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, तो इनसे पीछे कौन है? ये तो सबसे सामाजिक जो प्रतिस्पर्धा है उसकी सबसे पिछले से भी पिछली लाइन में खड़े हैं। तो सरकार अपने नारे को सार्थक बनाए अंत्योदय और इन कर्मचारियों को लाभ दे। लाभ नहीं देगी तो निश्चित तौर पर इनकी मांगों का समाधान नहीं करेगी तो हम लड़ेंगे। दूसरा, सरकार सफाई कर्मचारी सीवर मैनों को सेफ्टी टैंक और सीवर में डूबो कर मारना बंद है। लगातार मौतें हो रही हैं। अभी पानीपत में 20 मार्च को एक ठेके का सफाई कर्मचारी जो काम करते वक्त शिविर में दम घुटने से मर गया, उसको बचाने के लिए एक जनता का आम आदमी वो उतरा, एक और जनता का व्यक्ति उतरा, जिनमें से 2 की जान चली गई, सफाई के ठेके कर्मचारी की और एक ट्रांसपोर्टर था उसकी, तीसरा व्यक्ति मरते मरते बचा। ये प्रदेश में कब तक चलता रहेगा? दूसरा, जो कर्मचारी हादसे के शिकार हुए उनके परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ना तो न्याय मिला है और ना आर्थिक मदद। सरकार अपनी तरफ से कुछ देने को तैयार नहीं है। लगातार हमारे आंदोलन के दबाव में जो सफाई कर्मचारी आयोग है या SC ST आयोग है, उसने विभागों से रिपोर्ट मांग रखी है, कितने लोग अभी तक मरे हैं, क्या कार्रवाई हुई है। ऐसी रिपोर्टें समय समय पर मांगी जाती है लेकिन उन पर काम नहीं होता। आज भी फरीदाबाद का ही मैं एग्जांपल दूंगा, 4 लोगों की मौत QRG हॉस्पिटल के प्रांगण में हुई थी सीवर सफाई करते समय। QRG का मैनेजमेंट का एक भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं गिरफ्तार, ना उनको पूरा लाभ मिला। तो सरकार न्याय देने की जो बात कर रही है वो तो बिल्कुल झूठी साबित हो रही है। दूसरा, सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जब गठन किया तो ये कहा कि अब ठेके के कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति मिले, लेकिन सरकार ने ये बिल्कुल कर्मचारियों के साथ में धोखा किया है, छल किया है, क्योंकि जो Part 1 के कर्मचारी थे वो सभी कर्मचारी बैंक के माध्यम से वेतन ले रहे थे कि ESI EPF का लाभ ले रहे। असलियत में शोषण जो है ठेके के कर्मचारियों का वो वर्क आउटसोर्स के ठेकों के कर्मचारियों का शोषण है, डोर टू डोर के कर्मचारियों का शोषण है,
और ऑपरेशनल मेंटेनेंस के जो ठेके हैं उनका शोषण है। उनको न तो न्यूनतम वेतन मिलता है ना ईएसआई ईपीएफ मिलता है। सरकार ने ये ठेके बरकरार रखे हैं, आज भी जारी है। हमारा इस पर पूरा विरोध है कि सरकार इन तमाम प्रकार के ठेकों को समाप्त करे और इन कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करे। हरियाणा कौशल रोजगार से और प्रदेश में अलग अलग छटनियां कर रखी है। फरीदाबाद में हेमंत त्यागी एक जूनियर इंजीनियर है जिसको निर्दोष है, वो विभाग द्वारा जांच कराने के बाद वो निर्दोष साबित हो गया, लेकिन उसको नौकरी से बर्खास्त। प्रधान जी, कितने जूनियर इंजीनियर बर्खास्त किए हैं हरियाणा में और फरीदाबाद में टोटल? देखिए, बर्खास्तगी का जो सवाल है, अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है उसका हम पक्ष नहीं करते। अगर कोई कर्मचारी अधिकारी या राजनीति का शिकार होता है, उसके साथ अन्याय होता है, संगठन यूनियन उसके साथ खड़ी है। इस तरीके के गुड़गांव में एग्जाम्पल है, दादरी में आंदोलन चल रहा है, हांसी में आंदोलन चल रहा है, बराड़ा में आंदोलन चल रहा है। सरकार छटनी किए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले, नहीं लेगी तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। प्रधान जी, मेरा कहने का मतलब जूनियर इंजीनियर टोटल कितने हटा रखे हैं या नौकरी से हटाए हैं अभी तत्काल में, ये बताइए।